वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल वॉल्यूम के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत करते हैं। तैयार है रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। हम लोग क्वेश्चन सीधे 71 से स्टार्ट करेंगे। तो 71 में क्या बोल रहा है जी कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो कितना है। आर और एच का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे चमकता है लगता है। आर इंटू एच का रेशियो कितना दिया हुआ, 2/3। ठीक है, बढ़िया। और आगे क्या क्या बोल दिया जी, आयतन भी दे दिया, बड़ा अच्छा दे दिया, क्या 12,936 आयतन दिया है ना जी। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर जी सर, इंटू एच 3x जी सर, कितना 12 कितना बोला, 12,936। कुछ कटेगा कि नहीं जी सर, यही 11 से कटा ही देते हैं, 11 × 11 = 77, 11 × 6 = 66। ठीक है, 11 × 2 = 22, 11 × 11 = 11 × 11 = 77, 11 × 6 = 66। ठीक, फिर 2 से कटा दे, 2 × 2 = 10, बोलो 2×16 = 16, 3 से कटा दो ना, 3×1 = 3, 9 = 27, 3×6 = 18। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा 4, 4 से यहाँ कट जाएगा, यहाँ 4 वाला कटा दे। चलिए जाइए, एक बार इसको कटाइए तो ये हटा दें। आप लोग समझिए ना पा रहे हैं जी, जी सर। आप लोग भी ना समझ पाएंगे, बोलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 से सीधे कटा रही है वाला, तो 4×16 और 4×9 = 36। तो हमारा इधर बचा x³ और उधर बच गया 49×7, यही ना। तो इसका मतलब x का मान कितना निकल गया, 7। तो हमारा r हो गया 14 और ये हो गया 21। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप संपूर्ण पृष्ठफल क्या नहीं जानते हो निकालने के लिए, इसलिए टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr और h + r 2×22/7, r का मान 14 और 14 द्वारा केस करते होता है, सीधे लिख देते हैं 35 कटा दे 5 बार में, 14×5 = 70, 70 × 44 = 70 हो गया 7×28 80 है। ठीक है ना जी सर, बढ़िया जी सर। तो इसी तरह तुम लोग 72 में जल्दी बना बना के दिखाओ, जल्दी फटाफट तेजी करना है, कोई लेट नहीं करना। जिंदगी है मस्त, हम भी हैं मस्त, आप भी बनिए जल्दी से मस्त। ठीक है, एकदम खत्म कर देंगे, एकदम जितना भी चीज है एकदम कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत करके। देखिए दाढ़ी बढ़ जाए लेकिन पढ़ाई नहीं छूट रहा है, एकदम सब चीज हम लोग कर रहे हैं एकदम कंटिन्यू। तो एकदम जोश जुनून, एकदम आंधी तूफान की तरह होना चाहिए, एकदम गर्दा धूरा सब उड़ा दें एकदम। जीवन में आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, बट चलिए तो सही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 72 मिटा दे सकते हैं ये नंबर जी सर। हाँ देखो यहाँ चिकना, हम सब जगह एकदम सब साफ एकदम, इधर देखो झकाझक एकदम कर दिए बोर्ड, साफ भी लग रहा होगा, बड़ा बड़ा भी लिखते हैं अब, है कि नहीं जी, थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिखने लगे अब, तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा बिना चश्मा का, है कि नहीं जी सर। तो इसका मतलब बिना चश्मा का हम लोग देख सकते हैं। चलो 72 पर हम लोग फोकस रखते हैं तुरंत। 72 में हम लोगों को क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया जो कुछ हो गया। 72 में बोला वक्र पृष्ठ दे दिया, तो वक्र पृष्ठ होता है कितना है, 2πr h, और क्या दिया, संपूर्ण पृष्ठ 2πr और h+r, यही ना, इसका रेशियो दे दिया कितना, बढ़िया। अब ई बेचारा गया मामा घर है, तो हमारा हो गया 2h = h+r, यानी हमारा h बराबर r है, यही ना, यानी h का जो मान है वही r का मान है, हो गया इतना तो क्लियर। अब आगे मैं बोल दिया बाबू संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, इसका मतलब 2×22/7×r×2πr r h+r, यानी 2r हो जाएगा उधर, r प्लस r मिल करके, है कि नहीं, h और r का मान तो सेम है, बराबर कितना मिल गया बाबू भैया, 616, बढ़िया। ठीक है, 616 22 से कटेगा, 22×22 = 66, 22×44 = 17, 22×8
बाईस अठे छिहत्तर, ये हो गया दो से दो चार, चार सते अट्ठाईस, तो आर स्क्वायर बराबर सात गुने सात। तो उम्मीद करते आर समझ में आ गया कि सात आएगा, तो एच का भी मान सात आएगा, ठीक। एनी प्रॉब्लम? तो इसी बात पर बोल रहा है, इसी बात पर बोल रहा है आयतन क्या होगा। तो आयतन तो हम लोग जानते हैं, बाईस बटे सात आर स्क्वायर, सात गुने सात गुने सात एच, सात सात कट गया, बाईस गुने उनचास कितना होता है, बाईस गुने उनचास होता है बाईस नमा, बाईस नमा एक सौ अंठानवे ना जी, और बाईस चौका अठासी, अठासी और उन्नीस दस सौ अठहत्तर, एक सौ सात दस सौ अठहत्तर, क्या मजे आ गए कि नहीं। तो देखने में लंबा लंबा लगता ही है, क्या करोगे, एडवांस है और इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा कर सकते हो अपने मन से घर में जाकर के बैठ करके, ठीक है। बोलो यस और नो, जी सर, ठीक है। 73 पे पहुंचे, जी सर, हाँ यस नो कहा करो जल्दी, एकदम दर दरवा दो, एकदम दर 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 दर, लकड़ी बाहर लक्ष्मी भीतर, लकड़ी बाहर दर दर बाहर, दर दर लकड़ी बाहर, हमें लकड़ी बाहर का लकड़ी लक्ष्मी होता है क्या, लड़की भी लक्ष्मी, लकड़ी भी लक्ष्मी और पैसा भी लक्ष्मी, वाह क्या दुनिया है जी, सब लक्ष्मी, लड़का लक्ष्मी है। चलो चेक, चलो चौहत्तर तिहत्तर पे हम लोग फोकस रखते हैं। अब तिहत्तर में ऐसा क्या बोल दिया, तिहत्तर में बोल दिया बाबू एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, बताओ बताओ, तो अच्छी बात है। तो बोलता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टू पाई आर एच, हाँ क्या जी सर, दो गुने बाईस बटे सात गुने आर गुने एच बराबर कते दे दिया, दो सौ इकतीस, नहीं ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का दो तिहाई, दो सौ इकतीस का दो तिहाई मतलब दो बटे तीन, दो बटे तीन सर, हाँ क्या दो दो के संपूर्ण बोल रहा है ना, संपूर्ण का ही तो संपूर्ण पृष्ठ ना दिया था, दो सौ इकतीस लिए संपूर्ण का कैसे न लिए, हाँ वक्र हो गए, अरे वक्र पृष्ठ का संपूर्ण का दो बटे तीन, जी सर, क्या बोलते हो तुम, क्या बोल रहे हो, हैं क्या बोल रहे हो, तो कुछ कटेगा क्या, ग्यारह से तो कट भी करेगा, ग्यारह से बाईस, ग्यारह दुना बाईस, ग्यारह तीन सौ तीन से इक्कीस कट जाएगा, हाँ तीन सौ इक्कीस, और कुछ नहीं कटेगा, टू आर एच, अच्छा आया ना जी, टू आर एच कितना आ गया, टू का टू आर, ये ना है टू आर एच बराबर सात उनचास, सीधे लिख दे रहने देते, अब क्या करें, अब हम लोग सूत्र लगा देते हैं संपूर्ण पृष्ठ का, क्या जी सर, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा यहाँ पे लग रहा है यार, आर बराबर किसके बराबर लिखना, निकालना कौन चाहिए हम लोग को, ये तो पता चला, आयतन सर, आयतन, तो पहले आर ए पता कर लेते हैं, एच अपने आप हो जाएगा जी सर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा पहले बताइए, उनचास बटे टू आर, ठीक बैठा देंगे। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू भैया, टू पाई आर आर एच प्लस आर, नहीं आर आर मान लेते बढ़िया होता है कि नहीं, तो हमारा आर बराबर लिख देते हैं उनचास बटे टू एच ना, तो आर का मान आर 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 का मान उनचास का मान उनचास उनचास बटे टू एच टू एच यस सर, एच प्लस आर कैसे सर, इधर लफड़ा लगवा तो इतना भयानक बनाएंगे जी, कुछ दूसरा तरीका लगाना होगा, ये तो बहुत लेंथी लग रहा है देखने में, बना दो तब लगे तो बनाइए सर, है कि नहीं, तो लो लफड़ा लगवा दिया, का मान एच हो गया एच आर प्लस आर का मान फिर उठाइए, बाप रे टू एच, लो बराबर कितना दिया था, दो सौ इकतीस, यूरिया नहीं लगाएंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ जल्दी, टू पाई आर, टू पाई टू पाई आर आर एच आर, और आर का मान है उनचास बटा टू एच, उनचास बटे टू एच टू एच, और ये है आपका एच 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 खत्म,
क्या हो गया जी, एड्रेस खत्म हो गया। सब कट ही जाएगा लगता है। ये तो सीधे निकल गया। 154 ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा दिमाग लगाना होगा, ऐसे काम चलेगा बताओ। इस तरह से दिमाग इस तरह दिमाग लगाने से ना काम चलेगा बाबू। सर आर का मान 7/2 आया सर। हाँ वो तो आएगा ही। दूसरा दिमाग लगाते हैं हम लोग। अच्छा बताओ, अभी पढ़े थे 2πRh पढ़े थे ना, और बटे क्या बोला था जी, ए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 2πRh+R। और इसका जो है 2/3 है ना, 2/3 इसी से हम लोग लेंगे। ये गया मामा घर, ये गया मामा घर, तो 3h/2h चला गया। उधर बराबर 2r हो गया जी सर। बस अब केला कहाँ जाएगा, मामा घर है कि नहीं, आवरी कहाँ जाएगा? तो अब ना जी सर, बोलो यस नो, तुम लोगों को यहाँ बोलने का है, किसमें बोलने का है, एक हिसाब बताएंगे, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए ना। क्या क्या कुछ पता चला कल? अरे मतलब बोल रहा था कि वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण का 2/3 है, मतलब ये अगर 2 है तो ये 3 है, ठीक है? जिसका जिसका बोलता है ना वो निचुआ वाला रहता है, जिसका बोलता है वो नीचे वाला रहता है जी सर। तो नीचे वाला ऑटोमेटिक संपूर्ण है, तो इसका मतलब 3 है और ऊपर वाला 2 है, ठीक? आप इसमें रेशियो निकाल दिए हम काट करके, तो एच और आर का मतलब पता चल गया कि क्या किसके बराबर है। अब हम लोग सूत्र जानते हैं ना जी, 2×22/7 आर गुना आर के जगह हम लोग रख दें आर ही, और एच के जगह 2r, और एच के जगह 2r, बहुत बढ़िया। और वो है 231/2, यही बोला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, क्या है वक्र पृष्ठ ही है इसका। अब सॉल्व करने आता है कि नहीं? यस सर। 22 से कट जाएगा। 22 से कटेगा फिर सर, ही वो कुछ गड़बड़ हुआ। 11 से 21 3 से 7 और बराबर 49/4 जी सर। आर बराबर 7/2 बहुत बढ़िया। तो हमारा एच निकल गया है, एच निकल गया क्या, एच बराबर 2r, इसका मतलब 7। अरे न बुझे जी सर, 7/2 और गुना 2, ठीक है? यहाँ तो क्लियर हो गया। आप आयतन क्या नहीं निकाल पाओगे जी सर, क्या निकलेगा वॉल्यूम? भी बराबर 270/5 22/7 × 7/2 और गुने 7। मामा घर गया ये जी सर, ये चाची घर गया जी सर, मैंने तो बोलता अलग अलग इसलिए। तो 11 × 7 = 77 7 × 7 = 84/2 किस तरह से होगा पॉइंट में आंसर? सर कितना नंबर था? 363 है कि नहीं? 363 और 0.4 जी सर। सर जब 2 का परिणाम 8 है तो कट ही जाएगा 4 बार में सर, कहाँ आ रहा है 363? कहाँ पे 2 से कट, 2 को है ना 847 लिखे हाँ, बटा 2 लिखे हाँ, तो 4 कट जाएगा सर, 2 का परिणाम 8 कट जा रहा है। तो कौन बोले पीछे? वही तो बोल, तो 4 वाला है कोई ऑप्शन में? नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हो गया कि कहीं मिस्टेक हो गया। 11×49 कीजिए, 77 कर दिए, गलती है गुना सर, 739 सर, 11×49 सर, यहाँ पे सर ठीक कटाया है सर, 11×49 हुआ ना सर, बटे 2 गुना 7 कर दीजिए, 11×49 सर, 11×49/2 था ना, 77 हम कर रहे 540 हो गया सर, 540/2 हो जाए, 11×99 ना जी सर, 44/2 तो कितना हुआ, 2 बोला है ना सर, 269/5 हाँ। तो
गुनाह ठीक करना तुम लोगों को पहले बोल दिया था, गुनाह गड़बड़ आया था। हम सोचते हैं कि एक गलती नहीं करेंगे चाहे गुनाह रहेंगे, लेकिन वही जाता है। अरे इतना लेंदी कैसे बनाता है, एक बार तो बना नहीं, दूसरा बार में बना। हाँ इस तरह एग्जाम में काट कुट होता है कि तुम लोग से? सभी को भी हो जाता है। एक बार में जिसमें घुस गया मतलब उसको निकलना है यार। अरे ये की बनाते बनाते छोड़ देना, एक क्वेश्चन में फंस ले रही। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो कैसे किए है कि नहीं। जी सर। जिसको नहीं बोलना है वो पछताएगा, बोल देते हैं। पैसा सबका 400 लगा लग रहा, तो नहीं बोलोगे तो तुम लोग पछताओगे, जान लो। बम बम निर्मल पंकज सब बोल सकते हो बाबू, तुम लोग के लिए बोलने के लिए हमेशा 100% अलाउ, बाकी के लिए भी 90% है। तो चौथा हम लोग 10%। वाह राजू वाह, मतलब तुम भी जिस थाली में खाने लगा उसी थाली को छेद करने लगा तुम भी। कहता हमको 1%। दो इंच व्यास का एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक घंटे में, खतरनाक है जी। तो ये तो सिंपल भी है कि नहीं? जी सर। तो बताओ जी, 4 इंच व्यास का पाइप इस खाली टंकी को कितना देर में भरेगा? सिंपल है जी सर। कितना? आधा घंटा कि 15 मिनट? बाबू सोच लो। पक्का? अब देखिए सीधा, 2 इंच व्यास है बाबू, 2 इंच व्यास, तो त्रिज्या क्या हो गया? 1 इंच। इंच ऐसे लिखाता है, आर हो गया। फिर से क्या बोला, इसको लगाता कितना घंटा? 1 घंटा। उसके बाद हमारा 4 इंच हो गया है ना जी, 4 इंच व्यास हो गया। तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 15 मिनट में भरेगा सर। 15 मिनट 2 इंच। तो हमारा ऑटोमेटिक है ये, 2 इंच हो गया हमारा आर। तो ऑटोमेटिक है ये, 1 स्क्वायर तो रहेगा, यानी 1 ही घंटा, मतलब सॉरी करें ये 1, तो त्रिज्या हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ये। लेकिन ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक 1 घंटा का हाफ लग जाएगा, यानी 60 मिनट का 4 हिस्सा लग जाएगा, तो 15 मिनट बन जाएगा बाबू। अरे वो चीज और ध्यान रखना होगा, बोलो क्या? कैसे? अगर वहां पे ऊंचाइया नहीं दिया था, वो दिया रहता तब तो और ज्यादा फास्ट होता उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्षेत्रफल का बात कर रहा, सिर्फ पाइपवा की बात कर रहा अंदर में, लंबैया तमैया की बात करेगा तो अलग ही होगा फिर, समझे? तो तीसरा भी वो आ जाएगा जी सर। तो ध्यान रखना, 30 मिनट आधे कर दिया था। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है, और क्वेश्चन इस तरह का एक बात जरूर डालता है इस तरह का, कि बुतरू सीधे मारेगा आधा, बोला कि 60 मिनट पूरा भरता है और आधा 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 मतलब खाली होता है, क्या क्वेश्चन है वो है, तो सीधे 59 मिनट में बोलता प्रति मिनट में दुगुना भरता ना आधा भरता, क्या बोलता? तो बोलता कितना मिनट में खाली होगा? तो 59 मिनट में, कर देता 30 मिनट, ठीक है, समयों का आधा कर देता है, 1 मिनट घटाना होगा जी सर। कोई ना कुछ बोलता है। 74 नंबर खत्म, 75 में आओगे? जी सर। ठीक है, तो 75 बनाओ, देखो पहले ट्राई करो। ट्राई करते हैं घर में, ट्राई करना जो रेगुलर जो आते हो उसी में बनाते हो, उसी को फिर दूर आके घर में बना लेना, और यहाँ पे आते हो अपने दिमाग आके बनाना, खुद हम नहीं, हम भी अब करके नहीं आते, जो एक भी क्वेश्चन दे के आते हैं। तुम लोग के साथ आर एस अग्रवाल करते, फर्स्ट बार पढ़ा रहे हैं आर एस अग्रवाल, जान लो, एक बार पढ़ाए भी नहीं, डिटेल से इसका पढ़ाए भी नहीं, किसी में पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग जान लो कि हम कितना खतरनाक है। तो 76 नंबर सबका, 75 नंबर बन गया होगा उम्मीद करते हैं। बन जाएगा सर, ये लोग से बनेगा कि नहीं? जी सर। पक्का? जी सर। तो 75 नंबर में हम लोग देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। एक बेलन का धार त्रिज्या का ऊंचाई का योग क्या है जी? आर प्लस एस कहते हैं 37। बढ़िया, ठीक। उसके बाद क्या बोल दिया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पहले बताओ? 2 पाई आर। बढ़िया, और एच प्लस आर यही ना, बराबर कहते हैं 16/28। ये हो गया 2, ये हो गया 22/7, ये हो गया आर, और एक मान दिया है बराबर 16/28। सॉल्व कर दो क्या जी सर? 2 से 8 बार में
चौदह बार में, ठीक है ना, बाईस कटेगा क्या, बाईस दिया छियासठ और यहाँ पे चौदह और एक पंद्रह, बाईस एक सौ चौवन, सैतीस सैतीस मामा घर है कि ना, आर का मान खत्म निकल गया सात, आर का मान सात, आर का मान सात हो गया तो एच का मान तुम्हारा नहीं पता चला, यहाँ से निकाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन में की पूछा बउआ आयतन, आयतन तो क्या नहीं निकलेगा जी सर, क्या बाईस बटे सात जी सर, सात बटे सात जी सर, तीस जी सर, कितना हुआ एक सौ चौवन दिया, अरे बोल दो एक सौ चौवन तीस, चार सौ बार सर, चार सौ बार सर, देखे अरे नन्नू सर कहाँ जाओगे तुम, मजा आया कि नहीं जी सर, मजे लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, जिस चीज में मजा आने लगे वो पढ़ाई क्या है, जिस चीज में मजा आने वो पढ़ाई क्या, और जो टीचर भी ज्यादा हो जाता है, हमको लगता है कि एक दो को छोड़ देते हैं, वो दिन छोड़ नहीं आया, छोड़ना एक दो को डायलॉग छोड़ना होगा अपने ऊपर, समझे कि ना समझे, पहले अपना पढ़ाई करते थे ना कि ब्रिटिश जो टकराएगा चुप चुर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब दूसरे जब हमारे से लगता था उससे चुर चुर कर देते थे, लेकिन अब हम ही चुर हो गए तो की दूसरे चुर करेंगे, अब तुम लोग जो बोल सकते हो, छिहत्तर नंबर पहुंचे बाबू जी सर, ठीक है ठीक है एकदम, तो इसी बात पर आ जाओ, ये तो फुल टॉस क्वेश्चन लग रहा है, जब तक छड़ छड़ का संख्या मतलब बड़का आयतन बटे छोटा आयतन, उम्मीद है होमवर्क लगेगा ये, ठीक है सतहत्तर पे आए बाबू जी सर, ठीक है तो सतहत्तर में क्या ऐसा बोल दिया जो हम लोग को कुछ भारी नहीं लगेगा कुछ हो नहीं है, बोला बेलन का आयतन बराबर है तो बाबू एडब्ल्यू सर पाई इधर हो गया पाई आर वन स्क्वायर आर गुने एच वन, यही ना होता है जी सर, बराबर बराबर है तो पाई आर टू स्क्वायर आर गुने, ठीक पाई पाई मामा कर दिए, और कुछ हमको निकालना कौन सी किसका रेशियो है त्रिज्या का, तो आर वन बटे आर टू, इधर टू ले आया यार स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा एच टू बटे एच वन, तो एच टू बाई एच वन कितना है बताओ, ऊंचाई का अनुपात कितना है, एक अनुपात तीन अनुपात एक हो जाएगा, तब पलटा देंगे ना एच टू बाई एच वन हो जाएगा, अब बाबू भैया ए बाबू भैया हमको इस त्रिज्या चाहिए तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा, आर वन बाई आर टू कितना हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलता है सब सुस्त आ गया, रूट थ्री बाय वन, हाँ रूट थ्री बाय वन होगा, वन बाय रूट थ्री नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं बाबू, रूट थ्री से गुना कर दो ना जी, गजब तुम लोग एकदम, गजब तुम लोग हो एकदम जी, गजब हो हम भी लाए तो आगे नहीं बढ़ना जी सर, थ्री रूट थ्री कहाँ आया, एक मिनट जो हो जिसमें भी गलती नहीं करते वो भोगलम बोलता की कहाँ आया, तो सुधार कर लो हम लोग अपने आप, ठीक है केमिस्ट्री में भी बहुत लोग ऐसी तरफ पकाता है, आंसर ना कहाँ आया आंसर पर मरता है सब, सही बनना चाहिए सर, सही बनाओ, हो सकता है कि दुआ मिस्टेक हो ही जाता है, जैसे हम अभी मिस्टेक करते हैं उनचास को सतहत्तर कर रहे थे, सात सत्य सतहत्तर बताओ अरे कुछ कुछ उसमें बोला नहीं, बाद में पता चला कि गुनाह गलत कर दी है, ठीक है तुम लोग सुधार लगता नहीं कर पा, तुम लोग को पार्टी नहीं लेना है हमको लग रहा है, ठीक है कल पार्टी होगा क्या, शनिवार है परसों, परसों होगा कि पहले बोल लो जी, अब कम खाना होगा ना उस दिन खा के आए पता चला फिर खाना होगा, तो की खा पाएंगे बताओ, राजू पंडित बड़ा गंभीर है, क्या बात है हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं पार्टी में होगा लगता है जिस तरह ही बोल रहे हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ो जी, छिहत्तर तुम लोग सतहत्तर बना लिया, अठहत्तर बनाओ, अठहत्तर बनेगा कि नहीं जी सर, चलो बनाओ तब, अठहत्तर बनाओ तब तक गपशप लगा कर लेते हैं हम अपने दर्शक से, कैसा हाल है आप लोग का बताइए, हाल ठीक है, चाल ठीक है, पढ़ाई ठीक है, मस्त है, काम कीजिए कंटिन्यू लगे रहिए, फॉर्म भरिए, फिलअप कीजिए, उस पर लगिए, सिलेबस देखिए उसका, और लग जाइए, आपका रिजल्ट होगा और ज्वाइनिंग लेटर हमको दिखा दीजिएगा और हमारे पास इंटरव्यू देने आ जाइएगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लोहे के एक तार की त्रिज्या कितना कर दिया गया, बढ़िया पहले आर था बाबू, ठीक है पहले आर था, अब आर को क्या कर दिया गया,
आर बाय थ्री कर दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों तारों का आयतन बराबर है, तो बोलता है नए तार की लंबाई पहले तार से कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों का क्या है आयतन बराबर है ना जी, तो पाई तो होगा दोनों के अंदर, आर भी होगा, आर भी होगा जी, और ये होगा आर वन का स्क्वायर बोलिए, और गुने एच वन होगा बोलिए पाला का, बराबर है ये होगा पाई और ये होगा आपका आर बाय थ्री या आर ए सिर्फ लिखे क्योंकि इससे तो मतलब नहीं है, यहाँ एच वन कर देता तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे आर बाय थ्री ना, आर बाय थ्री का आर गुना एच टू नौ गुना पाई पाई, तो ये गया मामा घर, ये आर स्क्वायर गया मामा घर, यहाँ पे नौ गुने एच वन हो गया जी सर, नौ गुने एच वन बराबर है बोला, ये जो तरवा का लंबैया है कत्ते गुना हो जाएगा, तो नौ गुना झक झक और इसको डायरेक्ट हम बोल सकते थे जी सर कि त्रिज्या अगर तिहाई हो गया तो ऊंचाई बराबर अगर होने पर नौ गुनी हो जाएगी। अपने आप दिमागी सब ठीक है चीज, ये सब काहे है क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं इस तरह का, फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे इस तरह का कि तार के लंबाई में वृद्धि कर दिए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ, इस तरह का जरूर फिजिक्स में पढ़ा होगा और वो भी सी टू में पढ़ा होगा ट्वेल्थ में। अब नहीं पढ़े हो तो मैथ में पढ़ो, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं। जो आर्ट्स पढ़ा बाबू उसको तो पढ़ना होगा ना, वो तो टेंथ में देखिए पढ़ा होगा ना, टेंथ में एट में ऐसा पढ़ा होगा और वो होने पढ़ा होगा, आप सीधे बोला के हो पढ़ने मास्टर पढ़ा चाहिए, तो अभी पढ़ रहे हो ना, बनाने सीख रहे हो जी। निर्मल जय हो निर्मल बाबा, इस बार कृपा बरसाइए, कृपाने हो रही है, क्या करना होगा। चलो तब इसी बात पर गफला का करते करते हम लोग पहुंच गए कितना नंबर 79 में पहुंच गए, तो 79 में ये कह रहा है कि एक बेलन के धा की त्रिज्या कत्ते कत्ते है डी नंबर सर, तो 79 नंबर तो होमवर्क है जी, तो मतलब आसान शब्द ये दिया है जी सर, तो 80 नंबर में जल्दी चला है, बताओ जल्दी से जी सर। एक मीटर लंबे 3 मीटर चौड़े सुराख वाले एक सेंटीमीटर मोटे दीवार, ये तो एकदम सिंपल है जी, सिंपल है बना देते ना सभी एग्जांपल दे देंगे तो कैसे होगा, सेंटीमीटर में दिया है तो एक मीटर कितना होता है बताओ जल्दी, 100 सेंटीमीटर ठीक है। उसके बाद हमारा कितना दे दिया बाबू 3 मीटर, तो 3 मीटर कितना होता है 3 सेंटीमीटर है सर, 3 सेंटीमीटर है तो और बढ़िया है बल्ले बल्ले, तो 3 सेंटीमीटर और एक वो है 1 सेंटीमीटर ना जी सर, लास्ट वाला 1 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या हो गया बताओ जी, 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100 × 3 × 1 300 ये आयतन हुआ, इसीलिए हमारा भार पूछ रहा है ना, तो भार पूछ रहा, तो 300 गुना कितना भार है एक का, एक सेंटीमीटर क्यूब का कितना है 21 ग्राम, तो किस दिया 63 ग्राम यानी 6.3 केजी, केजी में की ग्राम है केजी है मैं, लेकिन कहाँ है तो नया तो हम की करेंगे अरे गड़बड़ हो गया केजी, ये सब तो 20 प्लस है सर, 18 21 24 26 कहीं गड़बड़ हुआ लगता है, आप लोग कुछ बोले नहीं, 1 मीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा दीवार वाली बच्चे का लोहे का भार क्या होगा, हम तो ठीक है निकाले 80 की कर दिया जी, मोटाई तोटाई दिया था कि इस तरह तो कुछ बोला नहीं, हम लोग LBH कर दिए पटाक, वैसा नहीं दिया है, बोला आंतरिक के जी आ रही है सब बोला है, ऐसा कुछ बोला था क्या पाइप में, मोटा था क्या, तो कितना नंबर था 80, 1 मीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े सुराख वाले बेलन वाला लगेगा तथा 1 सेंटीमीटर मोटी दीवार वाले कच्चे लोहे के पाइप का भार क्या होगा, 1 सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम, तो उस तरह बोला बेलन से जैसा लिया ठीक है, इस तरह नहीं लेना है गलत हो गया, तो देखे अश्विन और अभी भागते तो कैसे होता काम ठीक, हम लोग चल रहे थे तो ये हम लोग LBH नहीं दिया था जी, सुराख वैसा नहीं था बेलन जैसा था, समझे कि नहीं समझे, हाँ देखे ऐसा था अच्छा समझे जी सर, ये वाला
तो क्या बोला जी, क्या मीटर लंबा? तो ये था पूरा एच 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और यहाँ पे चौड़ा कितना था ये बताइए पहले? 3 सेंटीमीटर। ये चौड़ा था 3 सेंटीमीटर, पाला हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक। और मोटैया फिर है यहाँ से मोटैया ऐसे 1 सेंटीमीटर। तो बड़कार लिख दे यहाँ सीधे, बड़कार हो गया 4 सेंटीमीटर और छोटकार हो गया 3 सेंटीमीटर। इसीलिए अब आराम से होगा, इसीलिए वॉल्यूम जो हो जाएगा पाए और बड़कार स्क्वायर माइनस और गुने एच, तो कितना होगा 22/7 गुना आर स्क्वायर कहता है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और गुना 100 कितना होगा जी? 4 × 3 = 7 तो 2200 हो जाएगा टोटल। नहीं होगा क्या? गड़बड़ कहीं जा रहे हैं क्या? पाई स्क्वायर अच्छे थे जी सर, इक्वल नहीं बोला सर, ब्यास दिया तो 2×4 का आधा, ब्यास का दिया त्रिज्या आधा हो जाएगा सर। 3 सेंटीमीटर चौड़ा वाला इसका मतलब पूरे दिया था क्या? तो इसका ब्यास ही होगा। अच्छा ये पूरे दे दिया था, ये पूरा 4 जी सर, मतलब 2 घट जाएगा सर। अरे ये पूरा 4 था ना, तो 1.5 हो जाएगा। ये 4 था, ये 3 था सर, 3 था। हां ये 3 था, मतलब पूरा मिला के 3 था, तो ये 3/2 है। तो बोलो 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 क्या कुछ कुछ बोलो। 40 होगा 25 15 मतलब 4 हो जाएगा। तो वही तो 4 होगा ना ये वाला, ये 22 होगा 22/7 और ये गुना 4 और गुना 100 8800/7 यही होगा। और क्यों अब इसी को क्या करना है, हमको निकालना है कौन चीज, हमको निकालना है भार। तो भार बराबर हो गया 8800 और 7 और गुना अकेश, 3 बार में कट जाएगा 8 कितना होता है, 8 दिया 24 8 से 24 और 2 26। अरे कहाँ गया 26.4 है अभरी के जी सर, अभरी नुनू कहाँ गए? तो गलतियां कर रहे थे, चोरी सुराख वाला था, हम लोग लंबा चौड़ा मोटा सब ले ले रहे हैं, तो उस तरह नहीं था हम लोग का सुराख भी, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी? जी सर, गड़बड़ जाता तो 80 नंबर को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है कभी भूल से भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल गया और पता चल रहा है LBS लगा रहा है, और वहां पे ऑप्शन वहां अगर दे दिया चेंज करके कौन जी कितना आया था, घर वाला दे देगा तो 56 कितना आया था, तो ध्यान रखना 56 ना, तो ध्यान रखना ये सब चीज क्लियर है ना जी सर। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ो एकदम फटाफट, एकदम धड़धड़वा दो एकदम, तुम लोग स्पीड आज करने पाए पर तुम लोग तो हमारा नाक कट गया, कटा दिया आज हमारा नाक कटना नहीं चाहिए, बोलो तुम्हारा नाक जितना ऊंचा उठ सकता है, नाक सेवा हो जाए हो जाए, ऐसे ऐसे नाक दिख जाए सो लेकिन एकदम नाक ऊंचा होना चाहिए, एकदम नाक नीचे नहीं होना चाहिए, नाक नीची करना ना ऊंचा करना, बताओ कितना अंतर है, नीचा कर देता है नाक बैठ गया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कितना नंबर पहुंचे जी? ये लोग कौन स्लो चला है, 30 मिनट में 20 क्वेश्चन खत्म कर देते, और आज तुम लोग 10 क्वेश्चन खत्म किए, आश्चर्य लग रहा है, और ऊपर भी 2-4 होमवर्क दिए हैं, एक ही तो सर, एक ही होमवर्क। राहुल देखता है कि नहीं पता नहीं, तो 81 नंबर लोग फाके थे, पैसवा लो सबसे तुरंत तुरंत लिया करो, राम मत क्या करो, राजू कैसे ठीक बोलता था, राजू करने बोलता था कि हम तो करने जैसे जानते तो सबसे लेते। 81 नंबर में देखो तो क्वेश्चन बन जाएगा, हम उम्मीद करते हैं जी सर। तो 81 नंबर ऐसे डर रहा, सबको बना बना के दिखाना, जो बनाएगा नहीं 10% फाइन लगेगा, 5% 10% अगर उस तरह करेगा तो 82 घटेगा नहीं। चलो 82 नंबर में तो आसानी से खाली फॉर्मूला लगा देना, बोला वाला ना 83 में आओ जल्दी से, गजब तुम करते हो, गोला का एकदम सूत्र नहीं जानते हो कि तुम, आज सूत्र का एक वीडियो भी बना दिए हैं हम, भूल गए थे तो वीडियो भी बना दिए, सूत्र का वीडियो बना दिए, खाली सूत्र वाला, ठीक है? तो देख लेना वो खतरनाक मैथ सीरीज, उसमें बता दिए, ठीक है? पूरा सूत्र भी बना दिए हैं एकदम, ठीक जी सर। 83 नंबर में क्या कर रहा है सर? वही आए थे सर, खल लेंगे दिया जब, ठीक है आज डब्ल्यू है सर। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि और भी चीजें करना है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, मन लग रहा होगा, पढ़ने में भी एंजॉय कर रहे होंगे,
और थोड़ा थोड़ा लेंथी लेंथी कभी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग को भी ऐसा फील करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइए और मेहनत करते रहिए और चलते रहिए और बिकम ट्यूटोरियल के चैनल को एकदम प्यार दीजिए। थैंक यू।